हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल। तो मैं व्लॉग कर रही हूँ, आई थिंक मैंने ऐसे प्रॉपर मतलब फ्रेश व्लॉग जो होता है आपने अभी जो देखे वो सब पुराने व्लॉग थे। तो मैं व्लॉग कर रही हूँ आफ्टर 15 डेज एंड आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। इवन मम्मी इज फीलिंग बेटर नाउ, इज रिकवरिंग। घर पे आने के बाद तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इंसान काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा फील करने लगता है। तो अभी अच्छे पेस पर उनकी रिकवरी हो रही है, शी इज़ ऑल्सो फीलिंग बेटर नाउ। और आई थॉट कि अब मैं मतलब अभी 5 डेज तक तो ऐसा हुआ था कि मैं एडिट ना तो मैंने एडिटिंग कर रही थी, ना मैं किसी ब्रांड वालों से बात कर रही थी, ना मैं कुछ व्लॉगिंग कर रही थी, ना मैं कोई वीडियो शूट कर रही थी। मतलब प्रॉपर 5 डेज मैंने भी रेस्ट लिया था, बिकॉज वो थोड़ा हॉचपॉच हो गई थी चीज़ें। तो मम्मी और हम दोनों ने बैठ करके इतना वो देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी वेब सीरीज़ नहीं देखती है, तो हम लोग मस्त बैठ करके दिन भर लगाते थे टीवी पे बिग बॉस OTT एंड वो देखते थे। वैसे तो मैंने बिग बॉस लास्ट ईयर वाला जिसमें आसिम आया था और शहनाज गिल आई थी, मैंने वो वाला बिग बॉस आधा देख के छोड़ दिया था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वो बिग बॉस मतलब देखना बंद कर दिया था। बट अभी हम लोगों ने अभी क्या करें बैठ करके, क्या करें देखते हैं। तो हम लोगों ने दिन भर हम लोग या तो YouTube वीडियोस लगा लेते हैं, 2-4 जो वीडियोस होते हैं वो लगाते हैं, एंड अदरवाइज हम लोग एक दिन में 3-3, 4-4 एपिसोड्स निपटा देते हैं बिग बॉस OTT वाला देख रहे हैं। टाइम पास अभी क्या कर सकते हैं वो कहें। तो आज मैं थोड़ा सा काम करूँगी, मतलब वापस से काम करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। घर पर हम लोगों ने कुक लगवा लिया है मम्मी के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स मैंने उनको बोला भी आप रेस्ट करो, आराम से चिल मारो। बाकी सारे काम के लिए हमारे ऑलरेडी हाउस हेल्प है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े सब के लिए तो ऑलरेडी थी ही, बट कुकिंग मम्मी करती थी। बट अभी हमने कुकिंग के लिए भी हेल्प लगवा लिया है। वो जो आंटी है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब शी इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड शी इज़ राजपूत, तो उनके खाने का टेस्ट भी इतना अच्छा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लहसुन अदरक मिर्च मसाला ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो एकदम सिंपल खाना बन रहा है। तो कुछ काम ही नहीं है, बैठे रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बस बैठे ही रहते हैं हम लोग, मम्मी और मैं दोनों लेट करके, पापा ऑफिस चले जाते हैं, हम लोग ये सब देखते रहते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा काम करूंगी, बिकॉज काफ़ी दिन भी हो गए, तो मैं बोर होने लगती हूँ अगर मेरे को ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है। तो मैं काम करने के लिए जाऊँगी उस वाले घर, क्योंकि मेरा सारा सामान वहीं पर है। अब वहाँ से वापस यहाँ लेकर के आऊँ वो सेंस नहीं बनता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ चली जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए, और फटाक से वीडियो शूट करके आ जाऊँगी। तो आज मुझे वही काम करना है, और अभी जस्ट मैंने शावर लिया है वैसे, एंड ऑल्सो मैं मम्मी से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे आंटी कैसे हैं, और काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स भी आ रहे थे। तो ये रही मम्मी। हाय मम्मी, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। घर आके तो ऑटोमेटिकली हाँ। काफ़ी मतलब बेटर फील हो रहा था पहले वैसे ही, बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ अच्छा। और बाकी प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हैं हम लोग पूरा खाने पीने में, और झुकने नहीं दे रहे हैं अभी 10-15 डेज, क्योंकि ऑपरेट हुआ ही है। तो वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया सब करिए आप, जैसा मतलब जैसी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल करते हैं वैसे करिए, बट अभी हम लोग हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उन्होंने ये बोला कि आप थोड़ा स्लो पेस पे चालू करना। बाकी फिर वही अपना शार वगैरह सब कुछ ले लग गई है वो अपना खुद से ही। तो ये अपडेट है। हाँ आज पूजन करी है, प्रॉपर खड़े होकर के मम्मी ने पूजन करी है। मम्मी को यही लग रहा था कि मैं पूजन कब से करना स्टार्ट करूंगी और ये वो, क्योंकि पापा मैनेज कर रहे थे और मैं मैनेज कर रही थी, तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज पूजन वगैरह सब कुछ करी है, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। और एंड ऑल्सो लेट मी शो यू गणपति जी। अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए इस बार, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोगों के गणपति जी हैं, काफ़ी सिंपल से, मतलब मैंने सिर्फ ये वाला डेकोरेट करा और ऐसे बिठा दिए थे। ये गणपति जी इनफैक्ट मैं ही लेकर के आई हूँ इस बार, मैं तो पिछले 2 बार से गणपति जी खुद ही बना रही थी। और ये भी इको फ्रेंडली है, ये गायत्री मंदिर है भोपाल में, वहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति जी मिलते हैं, तो विक्की कलर वाले लेकर के आ गया, हम इनको घर पर ही विसर्जन करेंगे। मैं बोल भी रही थी कलर वाले क्यों लेकर आ गए, बट बोलता मुझे बिना कलर वाले पसंद नहीं आ रहे थे, तो वो दोनों घरों के लिए ये लेकर के आया है। कलर भी इको फ्रेंडली, हाँ बट वो इको फ्रेंडली है गायत्री। पिछले बार भी आप वहीं से लाते थे ना, पिछले बार तो मैंने बना दिए थे, बट उसके पहले ही मम्मी वहीं से लेकर के आते थे मम्मी पापा। तो यस ओके गाइस, आई एम डन विथ माय शूट, एंड अभी हम लोगों की जो भगवान के नीचे की यूनिट है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आ चुकी है। एंड दैट इज़ आई गॉट दैट फ्रॉम अमेजन, हम लोगों ने लोकल मार्केट में भी जा कर के देखा था, बट हमको इतने कम प्राइस में नहीं मिल रही थी, सो देन आई डिसाइडेड टू ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजन। मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द यूनिट जो हम लोगों ने अमेजन से मंगवाई थी, डार्क ब्राउन कलर में है, बिकॉज इस रूम का जो थीम है वो थोड़ा ब्राउन ही रख रही हूँ मैं। तो अभी ये ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, जस्ट टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, सामान भर दिया है इसमें, एंड ये हम लोगों ने ही इंस्टॉल करी है। और उसका एक और बताती हूँ, हमने ना एक जगह पर शेल्फ जो है उल्टी लगा दी है, ये देखिए ये जो है ये दिख रहा है ना, 3 नंबर है, ये पीछे जाना चाहिए था, हमने इसको आगे की तरफ लगा दिया, इसलिए अनफिनिश लग रहा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट दी एंड ये जो डोर है इससे छुप जाता है तो इतना ऑड नहीं लग रहा है, बट इट्स वेरी गुड। तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सो इफ इन एनी केस आपको लेना हो तो।
हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ. आई थिंक कल मैं मिली थी, कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों से आज मिल रही हूँ. तो अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुई है, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हुई है, और मैंने अभी कुछ ऑर्डर किया है यहाँ का मनोहर डेयरी का. सो एक्चुअली जब से मैं आई हूँ तब से मैं सागर कैरे के सैंडविचेस खा चुकी हूँ, और दो तीन अभी सागर कैरे आई थिंक भोपाल वाले जितने भी होंगे, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि यहाँ का एक काफ़ी अच्छे जो ऐसे नहीं होते हैं स्ट्रीट शॉप होती हैं फूड की, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी फेमस है. लेकिन अब क्या हो गया, उनके काफ़ी सारे ब्रांचेज ओपन होंगे. तो अभी एक ब्रांच उनका नेहरू नगर में ओपन हुआ है, पहले प्लैटिनम में था, अभी नेहरू नगर में हुआ है. बट नेहरू नगर वाले का मुझे टेस्ट, मतलब ये इतनी सारी ब्रांचेज ओपन हो रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है टेस्ट और क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है कहीं ना कहीं. अभी हमने लास्ट टाइम खाया था, मतलब सैंडविच तो ठीक है बट पहले बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था. या पता नहीं, मैं जैसे मैं मेरी फ्रेंड है ना आकांक्षा, अब जो भोपाल की वाली फ्रेंड्स है, हम लोग वही डिस्कस करते हैं कि हो सकता है तो हमने इतनी जगह पे अब टेस्ट कर लिया है तो इसलिए हमको वैसा लगने लग गया. पहले यही एक वो हुआ करता था कि अरे भाई हमने आज देखो बैगन शेक का सैंडविच खाया, अरे आज देखो हमने सागर कैफे का सैंडविच खाया. तो आकांक्षा यही बोल रही थी कि हो सकता है अपन इतनी जगह खा चुके तो अपन के लिए वो वाव फैक्टर खत्म हो गया उसमें से. बट ठीक है, एनी वेज फिर भी मतलब बेसिक सैंडविच उनका काफ़ी टेस्टी होता है अगर मैं बाकी जगहों से कंपेयर करूँ तो. टेस्ट वेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा होता है. तो आज मैंने मनोहर डेयरी का मंगवाया है. मैं हर बार अलग अलग मंगवाती हूँ, एक बार मैंने ABH का मंगवाया था, फिर कभी कुछ बेकिंग शेक का मंगवाती हूँ. आज मनोहर डेयरी का मुझे खाने का मन कर रहा है. अभी मैं अच्छे अच्छे से खूब खा रही हूँ क्योंकि अब क्या ये वाला वेदर जो है ना, ये बारिश के बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है तो इसमें मेरा वेट आराम से पुट ऑन बहुत इजीली हो जाता है. तो आई हैव टू पुट ऑन 1 or 2 kgs वापस से जो चला गया है वो पुट ऑन करूंगी मैं. और अभी हम लोग वही देख रहे हैं हमारा बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म वाला. इस वाले मुझे इसलिए इतना मजा आ रहा है कि ये लोग लड़ते हैं बट बहुत गंदा नहीं लड़ते एंड सब हंसी मजाक करने लग जाते हैं, एक टाइम के बाद मस्ती करने लग जाते हैं. तो ये मैं देख रही हूँ कंटिन्यूस और अभी दिन भर बैठ के देखेंगे. तो मम्मी और हम लोग ये इसको देख रहे हैं और अभी मम्मी आ रही है, मम्मी से भी पूछवाते हैं कि उनका फेवरेट, अगर आप लोग देखते हैं बिग बॉस OTT वाला उसमें आपको कौन पसंद आ रहा है, मतलब कौन लग रहा है कि सही गेम खेल रहा है. मम्मी ये नहीं, मम्मी आपको कौन पसंद आ रहा है OTT वाले में? ऐसे तो सब एक जैसे ही हैं सभी, मतलब हाँ. इस वाले में ना किसी से भी ऐसे चिड़ नहीं हो रही है, मतलब सब अच्छे लग रहे हैं कि हाँ. कभी कोई अच्छा लगता है कभी कोई हाँ, हाँ. किसी टॉपिक पे कोई अच्छा लगने लगता है हाँ. मतलब किसी से चिड़ नहीं हो रहा कि अरे ये तो बहुत ही नेगेटिव है हाँ. या तो हम लोग कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए आफ्टर लॉकडाउन. तो मुझे सभी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कभी मुझे दिव्या अच्छी लगती है, कभी प्रतीक भी इतना इरिटेटिंग है बट स्टिल दिल का बुरा नहीं है. तो मम्मी हम लोग यही डिस्कस करते नहीं, सीधा है दिल का बुरा नहीं है, मतलब वैसा है, सभी अच्छे हैं यार, मतलब सभी ठीक लग रहे हैं इस बार. तो आप लोग बताना, गेम खेलने आए सब तो करेंगे हाँ वही सब अपना, बट वैसे नहीं ऐसा कोई भी इविल टाइप का नहीं है. जैसे हर बार कोई ना कोई ईविल आता था ना, वैसा ईविल टाइप का नहीं, सब स्वीट है. और सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे जब मूज वो अपना से बिले लो, मतलब मुझे उसको देखकर भी बहुत हंसी आती है, ऐसे हंसाने वाले लोग हंसाती भी है, हंसाती जब वो चिल्लाती है तो बहुत इरिटेटिंग लगती है, लेकिन जब वो हंसाना जब वो एंटरटेन करना चालू करते तो इतना मजा आता है, हंस हंस के मैं लुटपुट हो जाती हूँ. तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं और अब मिलते हैं थोड़ी देर में जब वो आ जाएगा मनोहर डेयरी वाला, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो मैंने मंगवाया है ये एक तो पैटिस है, या आलू पैटिस है या पता नहीं क्या है, उसके बाद एक ये सैंडविच और साथ में ये है चॉकलेट मिल्क शेक. तो ये है मेरा इवनिंग स्नैक्स. मैं एक एक बाइट ना मम्मी को भी खिला देती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने, एलोपैथी वाले डॉक्टर ने बोला सब खाओ आप, मतलब ऐसे हाँ कैसे दोनों चीज टेस्टी थी ना, बहुत टेस्टी था. हाँ मम्मी ने एक एक बाइट ही खाया पर मैं खिलाती हूँ उनको सब कुछ कि थोड़ा थोड़ा तो खाओ, मतलब ऐसा. और अब वॉक पे भी कल से जाना स्टार्ट किया है, नीचे गई थी एक ग्राउंड लगाया पर बहुत थक गई थी, बट अभी हम लोग आज भी लेकर के जाएंगे ताकि नीचे चलना और घर में चलने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना. और जो भी लोग कॉलेज का पूछ रहे थे कि मम्मी कॉलेज कंटिन्यू कर रही है कि नहीं, अभी तो फिलहाल मतलब स्टॉप किया है बिकॉज ऑब्वियसली हेल्थ थोड़ा ज़्यादा, कम से कम 3 months तो डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करना है अच्छे से, वापस से अपनी हेल्थ जो है वो ठीक करनी है, उसके बाद फिर देखते हैं. के ओनर हैं जो सर हैं वो भी, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप अपना टेक योर टाइम, ऐसा कुछ वो नहीं है. तो सब लोग काफ़ी सपोर्टिव है, तो लेट्स सी, मतलब 3 months तो, बट शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, तो वैसा है, फिर उसके बाद देखते हैं. और अभी पापा आ गए. हेलो गाइस, आई जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ वीडियो. मैंने एक हॉल बनाया है अमेजोन हॉल. अभी एक्चुअली सच बता रही हूँ, मेरे पास व्लॉग्स तो मैं बना ही नहीं रही हूँ, तो मैं सिर्फ हॉल्स ही हॉल्स जो मेरे एक्चुअली में मतलब
जाने तो थे बट वो व्लॉग्स में इंटीग्रेटेड जाने थे, बट अभी मैं अकेले सिंपल बैठ करके सिर्फ हॉल्स बना रही हूँ. ये वाला जो हॉल है काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि काफी सारा फेस्टिव वाला जो मतलब इस घर के लिए जो मैंने सामान मंगवाया है ना कुछ डेकोरेशन वगैरह के लिए, दिवाली के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगी मैं, तो वो चीजें मैंने मंगवाई हैं और वो चीजें दिखाई है मैंने उस हॉल में. कर्टन्स हैं, कर्टन्स मंगवाए हैं, कुशन कवर्स वगैरह मंगवाए हैं. तो अगेन क्योंकि यहाँ पर तो सीमाएं मेरे पेरेंट्स का ऐसा है कि उनके ऊपर मैं अपनी चॉइस चला देती हूँ, मतलब उनको पसंद आ जाता है जो भी मैं करती होती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इजिली अपने मन से चेंजेस कर पाती हूँ. बाकी मेरे इन-लॉज के यहाँ पर भी मैं सोचती तो बहुत हूँ कि ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ, बट उन लोगों का कलर सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट है एंड चॉइसेस हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं इसलिए उनके वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज सबका ऊपर अपने चॉइसेस होते हैं ना, तो आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल. अदरवाइज मेरा मन करता है कि मैं वहाँ पे भी ये चेंज कर दूँ वो चेंज कर दूँ, बट ठीक है वो उन लोगों का चॉइसेस है. एंड ऑल्सो आज मैंने स्टोरी में डाला है मुझे एक राजस्थानी पोशाक चाहिए था, तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट राजपूत पोशाक है ना, लोगों के कल्चर में ये नहीं पहना जाता है, बट मेरे इन-लॉज के यहाँ पे पहना कैरी किया जाता है उसको. सो मेरे को जो आई थी वो मेरे इन-लॉज के यहाँ से आई थी, विकी की जो रानी जी, उन लोगों ने स्टिच करवा के मतलब पूरा रेडी मेरे पास सब कुछ आया था वो. बट अब वो एक दो है हम लोगों के पास, मतलब एक टीनू के पास येलो कलर की है और मेरे पास रेड कलर की है, तो हम लोग वही चेंज कर करके मैं पहन लेती हूँ, कभी येलो पहन लेती हूँ कभी रेड पहन लेती हूँ, बट नाउ आई गॉट बोर्ड और मुझे दूसरी चाहिए, नया कुछ चाहिए, तो मुझे भोपाल का तो कोई आइडिया नहीं है. बहुत सारे मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसे डाला कि मुझे 4-5 ऑप्शंस मिल जाएंगे, माय गॉड आई गेट सो मेनी ऑप्शंस, मतलब विद इन हाफ एन आवर में बस इतने सारे लिंक्स आ गए पेजेस के, और काफ़ी सुंदर सुंदर इतने लिंक्स आ गए कि अब मैं खुद कंफ्यूज होंगी कि मुझे किसके तरफ में जाना है. एक तो मैंने पसंद कर लिया है, एक मुझे कलर बहुत पसंद आया है, बट लेट्स सी कब उसको मंगवाऊंगी. आपको एक और बहुत अच्छी सी न्यूज़ डिस्क्लोज करूंगी मैं जल्दी ही. नहीं है कि मम्मी पापा के जो रूम में मैट्रेस डली हुई है ना, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने चेंज करी थी, मुझे ब्रांड की तरफ से आई थी, कि जो हाइट है ना दैट इज अप्रॉक्स 8 inches की हाइट है, तो उससे उसकी वजह से क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा जो बेड है वो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगने के लिए उन लोगों ने थोड़े ऊंचे ऊंचे जो पैर होते हैं ना, लेग्स होते हैं बेड के, वो थोड़े हाइट पर हैं, उसके ऊपर 8 inch की मैट्रेस लग गई. तो अभी तक तो मम्मी का सब नॉर्मल था, तो वो यूज ही कर रहे थे, बट अभी क्योंकि उनका स्टिचेस वगैरह लग गए, ऑपरेशन वगैरह हुआ था, ये सारी चीज़ें हुआ था, तो उनको उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो वो चेंज करना है. तो मैंने क्या सोचा है कि वो मैट्रेस मैं ले जाऊंगी अपने दूसरे रूम के लिए, और मैं उसको कट पिट करके जो भी मुझे करना होगा मैं वो उसका DIY कर लूंगी. एंड यहाँ के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी मैट्रेस है जिस तरह की, जो हम लोग बिक्की और हम यूज कर रहे हैं पिछले 3 साल से, मैं वही वाली मैट्रेस इधर के लिए लेके आ जाऊंगी, तो कल हम लोगों को वो देखने के लिए जाना है. हम लोगों को इस बार कलर करवाना था घर पे, बट अभी ऐसा हो गया है तो मैंने घर वालों को मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि इस बार और कलर मत करवाओ, कोई टेंशन नहीं है. बाकी जब तक मैं हूँ तब तक मैंने पूरी क्लीनिंग व्लीनिंग सब जो होती है वो अच्छे से डस्टिंग डीप क्लीनिंग कर दी है, लिविंग एरिया की तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और बस अब मैं आकर के दिवाली के टाइम पर थोड़ा और फर्निशिंग्स चेंज कर जाऊँगी, तो ऑलमोस्ट घर जो है वो दिवाली रेडी कर दिया है ऑलरेडी. लग बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसी सोफे का, मतलब स्किन फिटेड है एकदम उसके, और हमने लगाया भी काफ़ी अच्छे से है, बट हम लोग इसके ऊपर एक और थ्रो बिछा देंगे ताकि थ्रो इजीली वॉश हो पाएगा, मतलब फिर इसको कौन बार बार निकाल करके वॉश करेगा ऐसा, ताकि जो अंदर की इसकी एक्चुअल वाली जो फैब्रिक है वो गंदी ना हो ब्राउन कलर की. नेक्स्ट डे तो अभी मैं जा रही हूँ, विक्की टीनू और जो मेरी मदर इन लॉ है हम लोग चारों जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग पे. क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या हो रहा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो तक मैं बता दूंगी, और अभी हम लोग निकलते हैं तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूंगी कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं, या छोटी मोटी अगर कुछ शॉपिंग करी होगी तो, बिकॉज अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है तो वो लोग मुझे पिक करते हुए निकलेंगे यहाँ से. तो या लेट्स गो. हे गाइस आई एम बैक. सो मैं ज़्यादा कुछ तो शूट कर नहीं पाई बिकॉज मोस्टली जो शॉप्स थे वहाँ पर फिल्मिंग और शूटिंग अलाउड नहीं थी, क्लियरली मैंशन था. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा है, क्यों हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं. सो माई सिस्टर इन लॉ टीनू इज़ गेटिंग मैरिड, तो काफ़ी जल्दी उसकी डेट है, मतलब हमको पता ही सिर्फ अभी चला है.
10 डेज पहले डेट डिसाइड हुई है, डेट फाइनलाइज हुई है एंड मतलब सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं. तो अभी हम लोगों की जो ज्वेलरी शॉपिंग है वो कल ख़त्म हो गई है. हम लोग कल गए थे, दिन भर हम वहाँ के लिए निकले थे तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है. आज हम लहंगा वगैरह देखने के लिए गए थे तो अभी देखती हूँ, मैं भी साथ में देखती जा रही हूँ अपनी चीज़ें. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पहना जाए बिकॉज ये टाइम भी ऐसा चल रहा है ना, यू नेवर नो उस टाइम पे हो सकता है लिमिट 50 लोगों की हो जाए. मतलब समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो वो सब थोड़ा सोच समझ कर इकोनॉमिकली वो सही बैठे और बाद में नुकसान ना हो, ऐसा सब चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं. सो 2.5 months हैं, जो भी तैयारियां होंगी, जो भी प्रेपरेशंस होंगी, जो भी चलेगा उन सब का व्लॉग जरूर करूंगी. तो हमारा एक और जो मेन रीज़न था, स्ट्रॉन्ग रीज़न था यहाँ आने का, वो यही था क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली पहले से पता था कि नवंबर दिसंबर में करना ही करना है तो टीनू की शादी. तो हम लोगों को यही था कि यार बार बार इधर उधर उधर करेंगे तो हमको ये पता था कि एक दो महीने के लिए हम यहाँ आएंगे ही आएंगे तो इट्स बेटर कि लेट्स मूव देयर ओनली. तो ये एक और रीज़न था हमारा यहाँ आने का. तो वो चीज़ मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं करा था बट अब डेट फाइनलाइज हो गई है तो आई थॉट अब सबको बता भी दिया है तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में भी बता देती हूँ. सो येस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है. और वो जो राजस्थानी पोशाक है वो भी मैंने इसी ओकेजन के लिए ही, देखती हूँ किसी एक दिन मैं लूँगी, उसको भी लेना है मुझे भी लेना है. तो अब हम लोग एक दिन जा करके भोपाल में कोई हमको शॉप्स बताई हैं, 2-3 सजेशंस में आई हैं तो उसमें जा करके चेक करेंगे. अगर वहाँ नहीं जमेगा तो फिर एक ऑनलाइन मुझे काफ़ी अच्छे इंस्टाग्राम स्टोर पे एक पोशाक पसंद आई है, बहुत सुंदर सी पोशाक है वो, तो आई गो विद दैट. देखते हैं, लेट्स सी. सो यस, यही अपडेट था एंड आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. एक्चुअली कल वाली शॉपिंग मैंने इसलिए कवर नहीं करी बिकॉज ज्वेलरी शॉपिंग थोड़ा पर्सनल मैटर हो जाता है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए भी नहीं करा सिक्योरिटी पर्पस एंड बेसिस पे. सो वो सब हो चुका है उसका, बस इंगेजमेंट रिंग और 2-3 चीजें बची है, मंगलसूत्र वगैरह, तो वो भी हम लोग जाकर के पसंद करवा लेंगे. तो यस दैट्स इट, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.